मानसूर विधानसभा से विधायक शकुंतला रावत हैं। यह वो सीट है जहां माना जा सकता है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में शकुंतला रावत का नाम होगा। कोई संशय इसमें नजर नहीं आता। शकुंतला रावत वर्तमान में राजस्थान सरकार में उद्योग मंत्री हैं, लेकिन वह उद्योग मंत्री रहते अपने क्षेत्र के लिए क्या विशेष कर पाए, यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि 3 माह बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रदेश में भले ही मंत्री ने बड़े बड़े काम किए हों, लेकिन स्थानीय जनता चुनावों में जवाब मांगती है। रावत पर भले ही जातिवाद के आरोप लगते आए हों, भले ही क्षेत्र में लगातार अपराध बढ़े हों, भले ही अवैध खनन और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर प्रतिद्वंदियों ने लगातार उन्हें घेरा हो, लेकिन अपने सौम्य स्वभाव से शकुंतला रावत निष्फिक्र नजर आती है। लेकिन इस बार बानसूर का चुनाव आसान नजर नहीं आता। माना जाए कि शकुंतला रावत कांग्रेस की एक मजबूत प्रत्याशी हैं, मिलनसार हैं, क्षेत्र में सुख दुख में पहुंचने वाली महिला हैं। मंत्री ने क्षेत्र में विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, लेकिन चुनौतियां कुछ और हैं। दरअसल इस बार शकुंतला रावत के खिलाफ गुर्जर जा सकते हैं। चर्चा यह भी है कि सचिन पायलट के समर्थक शकुंतला रावत से इसलिए भी खफा हैं, उन्होंने गुर्जर होते हुए भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई में अशोक गहलोत का साथ दिया। ऐसे में सचिन पायलट समर्थक गुर्जर बेहद खफा हैं। बानसूर में भले ही विभिन्न जातियों के समीकरण हों, लेकिन बानसूर गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। बानसूर विधानसभा से शकुंतला रावत 2 बार विधायक रह चुकी हैं। 2013 में रावत पहली बार विधायक बनी। वह उनकी बड़ी उपलब्धि इसलिए मानी जाती है क्योंकि जिस वक्त पूरे देश में मोदी लहर थी, तब रावत ने बानसूर से जीत हासिल की। शकुंतला रावत 2018 में फिर एक बार विधायक बनी और राजस्थान सरकार में रावत को उद्योग मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग व देवस्थान विभाग की जिम्मेदारी दी गई। 2018 के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी महेंद्र कुमार यादव थे, लेकिन वह तीसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 44,236 वोट मिल पाए। वहीं भाजपा से टिकट ना मिलने से बागी होकर मैदान में उतरे देवी सिंह दूसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 47,736 वोट मिले थे। उस दौरान यहां के प्रमुख दावेदार माने जाने वाले भाजपा के कद्दावर नेता डॉक्टर रोहताज शर्मा को पार्टी ने थानागाजी से टिकट दिया था, लेकिन वहां भाजपा के हेम सिंह भड़ाना की बगावत के चलते रोहताज शर्मा चुनाव हार गए थे। उसके बाद डॉक्टर रोहताज शर्मा बानसूर में लगातार सक्रिय रहे। हालांकि डॉक्टर रोहताज फिलहाल भाजपा से निष्कासित चल रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों में चुनावों से पहले आने और जाने का सिलसिला चलता रहता है। अगर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चलती है, तो माना जा सकता है डॉक्टर रोहताज शर्मा ही चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि वसुंधरा राजे की स्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हैं। ऐसे में पार्टी इस बार देवी सिंह पर भी दाव लगा सकती है, या फिर एक बार फिर बाबा रामदेव के आशीर्वाद से महेंद्र कुमार यादव टिकट ला सकते हैं। ऐसे हालातों में डॉक्टर रोहताज शर्मा क्या निर्दलीय या किसी अन्य राजनीतिक दल से मैदान में उतर सकते हैं, इन संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल जब तक टिकटों के चयन नहीं हो जाता, तब तक यूं ही चर्चाओं का बाजार गर्म रहेगा।